आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। माँ जगत जननी के नवरात्रि महापर्व पर श्री गणेश होते ही नगर की चारों दिशाएं मैया रानी के जयकारों से गुंजनमय हो गईं। वहीं हर वर्ग शक्ति की भक्ति में डूबा हुआ है। पंडालों में माँ की स्तुति, पाठ हवन, पूजन एवं महाआरती सहित अनेकों धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। अल सुबह से ही महिला एवं युवतियां नगर के प्रसिद्ध विजयसेन मंदिर एवं तलपार बड़ी देवी मंदिर जाकर माँ को जल दूध युक्त गंगा जल, अक्षत एवं पुष्प अर्पित कर तरह तरह के शक्ति की उपासना कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा माँ के समक्ष भजन कीर्तन के आयोजन भी किए जा रहे हैं। माँ भगवती के दर्शन के शाम के समय दर्शनार्थियों का मंदिर एवं पंडालों में आना प्रारंभ हो जाता है, जो सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। शाम के समय दुर्गा पंडालों में महाआरती के लिए महिलाएं, युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग, युवक सब शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। आकर्षक रोशनी से सजे पंडालों की शोभा शाम के समय देखते ही बनती है। इन पंडालों में चारों ओर रंगीन आधुनिक लाइट लगाई गई हैं। पंडालों में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कई वर्षों से यहाँ देवी जी विराजमान होती हैं। देवी जी की असीम कृपा से यहाँ सारे काम शांतिपूर्ण होते हैं और यहाँ पे सब लोग मोहल्ला वाले भाईचारे सुबह से जल चढ़ाने आती हैं। सिद्ध स्थान है और सुबह शाम को भक्तों की ज़्यादा भीड़ रहती है। नवरात्रि के श्रावण अवसर पर मेरी नरेंद्र भुआटिया की ओर से समस्त जयसिंहनगर वासियों को एवं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मैं यही कामना करता हूं माँ दुर्गा से के क्षेत्र पर और जयसिंहनगर पर इसी प्रकार की सुख समृद्धि बरसाती रहें, कृपा बनाए रहें। जय माँ प्रसिद्धि। जयसिंहनगर से गुलाब कोरी की रिपोर्ट।